हाय फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू क्रेजी डे। तो आज के दिन बात करने वाला हूँ वीपीएन के बारे में और क्यों 2020 में वीपीएन इस्तेमाल हमें सबने करना चाहिए। तो शुरू करते हैं। वीपीएन यानी कि वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, जो कि एक ऐसा नेटवर्क क्रिएट करता है आपके डिवाइस और इंटरनेट के बीच में जो कि सेफ और इनक्रिप्टेड रहता है, जो आपकी आईपी जो रहता है उसको मास्क कर देता है यानी छुपा देता है, जिससे आपकी प्राइवेसी बनी रहती है और आपका जो डेटा उसको एनक्रिप्ट करके रखता है कहते हैं इंटरनेट के ऊपर, ताकि आपका डेटा जो है वो सेफ और सिक्योर रहे। बट वीपीएन में सिर्फ इतना सा नहीं होता है, वीपीएन के और भी कुछ फायदे हैं जो 2020 में बहुत ज़्यादा काम किए हैं। तो अगर हमारे इस पॉइंट पर बात करते हैं, तो अगर आप लोगों को नहीं मालूम है तो आपके जो भी आप चीज़ें ऑनलाइन करते हो, ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन कुछ भी टाइप भी कर रहे हो, वो सब एक्टिविटीज़ ऐप्स देख सकते हैं, वेबसाइट देखती रहती है, यानी कि वो लोग सब कुछ देखते रहते हैं आप क्या कर रहे हो। तो ऐसे टाइम पे क्या होता है, समझ लो आपने कोई शॉपिंग वेबसाइट पे गए, आपने मोबाइल देखा या फिर आपने कोई दूसरा आइटम देखा उधर, तो वो आइटम्स आपको इंस्टाग्राम और यूट्यूब के एड्स पे वही एड्स आपको दिखने लग जाएंगे जो चीज़ आपने देखी थी। तो इससे क्या होता है, आपकी प्राइवेसी नहीं बनी रहती, जो भी चीज़ इंटरनेट पे कर रहे हो वो सब कुछ वो देख पाता है, एप्लीकेशंस और वेबसाइट्स। तो इससे आपकी प्राइवेसी बिल्कुल नहीं रही, स्पेशली अगर आप कोई मैसेज कर रहे हो ना वो फेसबुक जैसी साइट पे, वो भी वेबसाइट्स और ऐप्स देख सकते हैं। तो वीपीएन क्या करता है, ये सब डेटा जो रहता है एनक्रिप्ट करके रखता है, और ये डेटा और इवन कुछ कुछ वीपीएन इसे मिलिट्री ग्रेड एनक्रिप्ट भी करते हैं, जो कि 256 बिट्स एनक्रिप्शन होता है। तो इसके वजह से क्या होता है कि आपका जो डेटा है वो ऐसा कोई भी नहीं देख सकता, वो एनक्रिप्ट करने के लॉक रहता है, वो सिर्फ आपके एंड और दूसरे एंड पे जहाँ पर भेज रहे वहाँ पर ही वो खुलेगा। तो वीपीएन की वजह से करते दूसरे ऐप्स आपको देख नहीं पाएंगे और पोटेंशियल हैकर जो है वो भी आपको नहीं देख पाएंगे, आपकी जो प्राइवेट और पर्सनल चैट्स है वो भी सेफ रहेगी वीपीएन की वजह से। हमारे सेकेंड पॉइंट आते हैं डाटा थ्रॉटलिंग। अगर आपको नहीं मालूम, अगर आपने जैसे कि अगर आप बहुत टाइम से इंटरनेट यूज़ कर रहे हो, तो आपको मालूम होगा कि जब आप एक सर्टन अमाउंट का डेटा यूज़ कर देते हो उसके बाद आपकी इंटरनेट की स्पीड स्लो होने लग जाती है। तो इसे बोलते हैं डाटा थ्रॉटलिंग, और ये मोस्टली इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर की वजह से होता है, क्योंकि वो लोग ऐसे डेटा कैप्स लगा के रखते हैं। बट कहते वीपीएन की वजह से क्या होगा, जैसे मैंने बोला था वो आईपी एड्रेस आपका मास्क कर देता है, तो उसके वजह से जो आईपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स को मालूम ही नहीं रहेगा कि कौन यूज़ कर रहा है, तो वो डेटा कैप्स नहीं लगा पाएगा। इसके वजह से क्या होगा, आपको डेटा थ्रॉटलिंग नहीं होगी, मतलब आपको जो स्पीड सर्टन अमाउंट यूज़ करने का वो आपको फील नहीं होगा। तो अगर आप कुछ वेबसाइट पर गए होंगे, आप हमेशा देखते हो कि वो वेबसाइट पर जब भी जाते हो आपका जो है ना वो वेबसाइट बहुत स्लो चलती है। यूजुअली आपको लगता है कि वेबसाइट ही स्लो होगी, लेकिन देखते हो कोई दूसरा यूज़ कर रहा है वेबसाइट उसके अंदर फास्ट चल रही है। तो ये होता है बैंडविड्थ थ्रॉटलिंग, ये भी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर या फिर जो भी लोग उधर है ट्रैफिक मैनेज वगैरह कर रहे हैं उनके वजह से ही होता है ये भी। तो इससे भी आप बच सकते हो, अगेन आपका जो यहाँ पर आपका मोबाइल का जो ट्रैफिक है, डेटा ट्रैफिक है, उससे ये वीपीएन एनक्रिप्ट कर देता है, जिससे वेबसाइट्स को मालूम नहीं होता कि कौन आ रहा है, और ना ही इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को पता चलता है कि आप कौन सी वेबसाइट पर, आपका डेस्टिनेशन है वो भी एनक्रिप्ट हो जाता है। तो इसके वजह से ऐसी वेबसाइट पर अगर आप जाते हो तो आपको ये जो स्पीड थ्रॉटलिंग बैंडविड्थ थ्रॉटलिंग है वो आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि जो अगर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कर रहा है तो उसे भी समझ में नहीं आएगा, कोई एडमिन कर रहा है आपके नेटवर्क पे तो उससे भी समझ में नहीं आएगा कि आप कौन सी वेबसाइट पे हो। हमारे फोर्थ पॉइंट के ऊपर जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर हम बात करो, अगर हम आज के टाइम में जो नेटफ्लिक्स देख रहे हैं फिर कोई भी दूसरे टाइप की जो भी जिसपे हम टीवी वेब सीरीज वगैरह देखते हैं, अगर हमें कोई दूसरे कंट्री की वेब सीरीज देखने में इंटरेस्ट है, जो कि ऑब्वियसली अगर आप इंडिया में हो तो आपको सिर्फ इंडिया के रीजनल जो है वो ही दिखाएंगे, तो वीपीएन की वजह से आप क्या कर सकते हो, आप अपना आईपी एड्रेस चेंज कर सकते हो, उसके वजह से आप कोई दूसरे लोकेशन पर जा सकते हो और जैसे कि नेटफ्लिक्स है उसके जो कॉन्टेंट्स है वो एक्सप्लोर कर सकते हो। लेकिन इसमें एक वो है कि अगर कोई कॉन्टेंट जो इंडिया में ब्लॉक्ड है अगर आप वो देखने की कोशिश कर रहे हो तो वो इलीगल होता है, लेकिन अगर वो कंटेंट इलीगल नहीं हो, सिर्फ रिस्ट कहते रीजनल बेस्ड है, यानी कि वो सिर्फ अमेरिका में दिखाने वाली चीज़ है, उसको कोई बैन वैन नहीं इंडिया में, तो आप वो चीज़ें देख सकते हो, या यूरोपीय ऐसे कोई भी कंट्री के आप शोज़ देख सकते हो। तो वीपीएन की वजह से आप डिफरेंट डिफरेंट कंट्री के शो, इवन न्यूज़ चैनल, ऐसी चीज़ें देख सकते हो।
तो गाइस अगर आप ट्रैवल करते हो अब्रॉड, तो आपको जैसे मैंने पहले बोला था कि आप दूसरी कंट्री में रहते हो तो उस रीजन की चीज़ें बताई जाती है आपके नेटवर्क पे। और इवन कभी कभी क्या होता है कि कुछ कुछ कंट्रीज में कुछ सोशल मीडिया वेबसाइट या आपकी कोई दूसरी वेबसाइट जो रहती है वो ब्लॉक्ड रहती है और आप उसे एक्सेस नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे टाइम पर ऑब्वियसली अगर आप इंडिया के हो, इंडिया में वो वेबसाइट पूरी लीगल है और चल रही है, लेकिन आप जो कंट्री में गए उधर नहीं चल रही है, तो इस टाइम पर आप VPN का अगेन इस्तेमाल करके आप वेबसाइट एक्सेस कर सकते हो, सोशल मीडिया फिर जो भी वेबसाइट जो ब्लॉक थी वो उसे एक्सेस कर सकते हो। अगेन इधर वही चीज़ है, जो आप कंट्री में हो अगर उस कंट्री में VPN इलीगल है तो ये आप चीज़ नहीं कर सकते हो। अगर कंट्री में VPN टोटली इलीगल है तो आप ये सब चीज़ें कर सकते हो। अब हमने जब लीगल की बात कर ली तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है कि इंडिया में लीगल है कि नहीं है। तो ऑब्वियसली बात है, इंडिया में ऐसा कोई लॉ नहीं है VPN के अराउंड कि VPN इस्तेमाल नहीं कर सकते। जब तक आप कोई इलीगल एक्टिविटीज नहीं कर रहे हो VPN के, तो VPN टोटल लीगल है। इन मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में सेम टाइप का रूल है, जब तक VPN लीगल है जब तक आप कोई इलीगल एक्टिविटीज नहीं कर रहे हो। अगर आप कोई इलीगल एक्टिविटीज कर रहे हो तो VPN टोटली इलीगल हो जाता है। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं VPN के कुछ बेनिफिट्स के, तो VPN के कुछ डिसएडवांटेजेस भी, जो मैं बहुत शॉर्ट में बता देता हूँ। क्योंकि VPN एनक्रिप्ट करता डेटा वगैरह, तो VPN थोड़ा स्लो होता है, उसकी जो डेटा स्पीड जो रहती है थोड़ी स्लो हो जाती है। साथ ही साथ अगर VPN के बात कर रहे हैं, तो अगर आपको VPN एनक्रिप्ट, जैसे मतलब VPN एनक्रिप्ट करता है, और अगर आपको एनक्रिप्शन की नॉलेज नहीं है तो आपको पता नहीं चलेगा कि आप जो VPN से कनेक्टेड हो कितना एनक्रिप्टेड है। और मैंने जैसे पहले बोला था कि VPN जो है कुछ कंट्रीज़ में इलीगल होता है, तो आप जो अगर कोई कंट्रीज आ रहा है पहले उधर लीगल लॉ देखना पड़ेगा कि VPN लीगल है कि इलीगल है। और तो गाइस इसी के साथ मैं आज के यहीं खत्म होता वीडियो, गिव अ लाइक एंड गाइस वांट टू सब्सक्राइब तो लाल बटन उसे दबा दीजिए गाइस। प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसी थी या मैं नेक्स्ट वीडियो किस पर। गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।